खींच के रोड पे ले गई लोग मारते हुए, इतना माने भयानक भयानक रोड के एंगल रहुआ देखे अपराधी सन के हाथ में, माने सोची कि 25 किलो 20 किलो के वेट के कहो बा, इतना मारल लोग कि लड़का माने मूर्छित पड़ गई बा, घसीट के लेके गई गई बा मेन हाईवे पर, वहाँ फिर मारल गई बा। एमे जितना आदमी नामजद रहलन सब आदमी मार पीट रहलन। ओकरा बाद धर्मवीर गिरी पीछे से आवतारन और माने उनका घर के तरफ से आवतारन, आके उ रिवॉल्वर हाथ में ले लेबरन, रिवॉल्वर एने ओने हाथ से हो रहल बा उनका। तब तक पीछे से आदेश कर रहल बा शशि भूषण गिरी हमार चाचा खुद के उत्तम गिरी कि सटा के मरीह न तो ना मरी। वही सामने से आके गोली मार दहलन। हम चिल्ला रहल बनी माने आँख से आंसू आ रहल बा, देख रहल बनी हाथ पैर माने सोची कि हाथ बिल्कुल काम हमारे नहीं करत। जब उ जा तरन तो हम ही कह रहल बनी कि हमारे के काहे छोड़ तरह हमरों के मार दो, न तो हम बचेम तो कैसा कैसी तो हुखबे करी। तो वह लोग बताई काम मिलल हमार सुहा गुजार के ना देखल जात रहल सब लोग से हमार खुशी ऐसे उजाड़ दे रहल। देखिए हम तो रोग माध्यम से आज बोलो तनी कलबानी कि ना कहें कि देखिए भाइयो हमार एक्सपेक्ट ना कैले रहनी है सन आज हत्या हो गई। आ अपन प्रशासन ऐसा बा कि मन बा अभी भी मन बा, तब नेक्स्ट टारगेट तो हमनी के नहीं बनी सन कहीं ना कहीं। लेकिन पटना के एगो अनु चौधरी केहू हटे वो मीडिया में स्टेटमेंट दे रहल बा कोनो चैनल पर कि ई जानबूझ के घर वाला ही लोग जौन बा षड्यंत्र कैले बा, ये षड्यंत्र में भाई शामिल बाड़े, चाचा शामिल बाड़े, अंजलि शामिल बाड़ी, सब कोई मिल के सूरजकांत गिरी के हत्या करवा देलस। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। प्यार भी मौत के कारण बन सकेला, इब कहीं कहीं देखे के मिलेला। प्यार के ए दुनिया में एगो पवित्र रिश्ता मानल बा और कहल गेल बा कि जहाँ प्यार होला वहाँ नफरत ना होला। लेकिन यही प्यार में कभी कभी ऐसनो होला कि नफरत इतना हद तक पहुँच जाला कि मामला हत्या करे तक या खून करे तक पहुँच जाला। ऐसा एगो मामला चपरैठा में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय बाटे और वह जानतनी कि सूरजकांत गिरी के हत्या कर दिहल गई काहे खाती, तो प्यार कैला खाती। हम वही जा दरवाजा पर बनी, ये सूरजकांत गिरी के दरवाजा है, पीछे पोस्टर लागल बा, वो सारा चीज़ बा जब उनकर हत्या कैल गई रहे। 2 अक्टूबर के ये हत्या कैल जाता संध्या में 5 बजे के तकरीबन, और हत्या जौन होता उ हत्या करे वाला लोग के CCTV फुटेज में दिख रहा बा कि लाठी डंडा से उ लोग प्रहार कैला के बाद या हत्या कैला के बाद भागता, तो CCTV के फुटेज रुआ देख ली कि नीचे चल रहा बा कि उमें कैसे हाथ में लबदा लाठी लेके उ लोग भाग रहा बा जे भी आरोपी बाटे। पूरा मामला थोड़ा सा एक बार हम ब्रीफ करे तनी। ये चपरैठा गाँव हो, एक तरफ है सूरजकांत गिरी के घर हो तो दूसरा तरफ उन्हें अंजलि गिरी के घर बाटे। आसपास घर बा, दोनों लोग एक ही जाति बिरादरी के हो। लड़की पक्ष कहला कि अंजलि गिरी जौन बाड़ी सूरजकांत गिरी के फुआ है, लेकिन लड़का पक्ष कहला कि आपस में कोनो रिश्ता नहीं खे। मामला के शुरुआत होता सितंबर 2022 में। 2022 में ये दोनों लोग भाग जाता, उकरा बाद से ही मामला चले लागल। आपस में केसा केसी, मारा पीटी, एक दूसरा के प्रताड़ित कइल, मतलब जम के प्रताड़ना झेले के पड़ल बा पूरा 1 साल तक। और मामला इहो रहे कि वहाँ पर सूरजकांत गिरी के परिवार गाँवे ना रहे, गाँवे जब भी रहे तब मारपीट के घटना के अंजाम दिहल जाओ, कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला बवाल होत रहे, जौना के रिपोर्टिंग मैच बॉक्स पहले भी कैले बा और भी बहुत सारा यूट्यूब चैनल बा जौन की कैले बा। थोड़ा सा रुआ के घुमा के दिखा दी, कहीं घर पर दिखा दो कि ये बवाल और मारपीट के चलते पूरा घर जौन बटे CCTV से पूरा घिरल बटे। एजा इतना CCTV लागल बा जितना एयरपोर्ट पर भी CCTV रुआ देखे के ना मिली, जितना यहाँ पर सिक्योरिटी रखल बा, काहे कि हमेशा मारपीट होत रहत रहल, आए दिन कुछ ना कुछ होत रहल। हत्या के कुछ दिन पहले मारपीट के आरोप लागल, एक तरफ सूरजकांत गिरी के परिवार आरोप लगेलस कि दूसरा जनबा शशिभूषण गिरी के परिवार आके मारपीट कैले बा, तो ओकरा बाद एगो शशिभूषण गिरी के तरफ से आरोप लगावल गेल कि उनका गोली पर गाड़ी पर गोली चलावल गेल बा। ई मामला अभी चलत रहे।
12-14 गो FIR कैला के बावजूद पुलिस प्रशासन कतना सुस्त रहे एकर खामियाजा आज भुगते के पड़ता जब देखी कि 2 तारीख के यानी कि 2 अक्टूबर के पूरा देश जब गांधी जयंती मनावत रहे तो संध्या में सूरजकांत गिरी के हत्या कर देहल गई। हत्या के बाद से 3 लोग गिरफ्तार भइल बा, 2 गो महिला एगो पुरुष गिरफ्तार बने और एकरा बाद एजा तमाम लोग के जमावड़ा शुरू हो गइल बा। पप्पू यादव तक यहाँ पर पहुँचल बनी, ए मामला के संज्ञान ले बनी, प्रशासन से वहाँ के गुहार लगावतनी। अंजलि गिरी भी लगातार मीडिया में बयान दे तरी, इहो बता दी रुआ के हत्या 2 तारीख के भय रही, अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यहाँ लोग गोसाई हैं, लोग गिरी हैं, लोग अगर यहाँ लोग श्राद्ध कैले रहती तो श्राद्ध अब तक बीत चुकत रही, लेकिन यहाँ लोग के अभी तक श्राद्ध भी नहीं की उठैले। अंजलि गिरी जौन की अभी मंगलसूत्र भी नहीं की हटावत कि हम जौन बा जब तक हमारा पति के न्याय ना मिली तब तक मंगलसूत्र के ना निकालें। इहो बतावल जाता कि अंजलि गिरी जौन बाड़ी उस 7 महीना के प्रेग्नेंट बाड़ी, ये बात के भी चर्चा हो रहा बा। और उकरा बाद से हत्या के बाद से भी गोलीबारी के घटना के सूचना मिलल है कि एक दिन होने कहीं और कल गल बा गोलीबारी, फिर एक दिन मीडिया के कुछ लोग यहाँ रिपोर्टिंग करत रहे वो दिन भी गोलीबारी कल गई। हत्या में जहिया भइल तहिया तो रहुआ उजा साथे रहनी। बिल्कुल, हमनी के 3 भाई गांव के एगो लड़का, 4 आदमी यही गाड़ी से, लाल गाड़ी से हमनी के आवत रहनी सन, टोल टैक्स क्रॉस करनी सन, तो ये लोग पहले से तर तैयार रहे, काहे कि 15 से 18 आदमी के संख्या लाठी डंडा रिवॉल्वर के साथे वो एक बैग 10 मिनट 5 मिनट में ना हो सकेला, वो सुनियोजित साजिश रहे, हमनी के गाड़ी ट्रैक कल जात रहे। और जैसे ही इनका घर के सामने जो टोल टैक्स वाला घर बा, इनका 100 मीटर आगे टोल टैक्स 100 या 150 मीटर दूरी पे बा, इनका घर के सामने गाड़ी गई तो वहाँ पथराव करके ध्यान बटाए के कोशिश कर गल गई। ओकरा बाद 2 बाइक पे सवार, एगो बाइक जो है घटनास्थल पे मिलल भी आ एगो आउट बजाज प्लेटिना, ओपर 3-3 व्यक्ति सवार रहलन, एगो पर नीरज गिरी, धीरज गिरी, आदर्श गिरी रहलन, एगो पर हमरा चाचा के लड़का दीपू गिरी रहे, 2 गो अन्य आदमी रहलन। और ये लोग का भेल कि दोनों तरफ से ताबा तोड़ माने अथी रोड से और अथी इंगल से वार कई लोग जो ना पर गाड़ी हम दिखा सके नहीं आई। ये वो गाड़ी ही है, रेड कलर के गाड़ी भी आ, ये गाड़ी जोन बा यही गाड़ी से यहाँ लोग सवार होके जात रहनी लो, और यही गाड़ी के हरवा देख ली के पर प्रहार कर गिल बा लाठी डंटा से, और होदे देखी ऊपर लौकत आओ जब फूटल बटे, ओकरा बाद ये गाड़ी जोन बटे दोनों तरफ के शीशा आगे वाला फूट गिल बटे, और ओकरा बाद ये गाड़ी जोन बा खाता में अंदर चल गई, तो वहाँ रिपोर्टिंग कर ले ही रहनी आई, पूरा खाता में ढुल गई रहे और गाड़ी के दोनों अगला गेट फंस गई, माने खुले थोड़ा खुले, बहुत प्रयास के बाद हमने के निकल पैनी सन, जले हमारा छोट भाई सूरजकांत गिरी के खींच लिया गई कहें कि गुट में रहे लोग, और गांव के लड़का भी निकलल तो ओकरो 2-4 डंटा लागल तो वहाँ छुप के अपन जान बचैलस, खींच के रोड पे ले गई लोग मारते हुए, इतना माने भयानक भयानक रोड के एंगल रहुआ देखे अपराधी सन के हाथ में, माने सोची कि 25 किलो 20 किलो के वेट के कह गो बा, इतना मारल लोग कि लड़का माने मूर्छित पड़ गई बा, ओकरा के घसीट के लेके गई गई बा मेन हाईवे पर, वहाँ फिर मारल गई बा, एमे जितना आदमी नामजद रहलन सब आदमी मार पीट रहलन, ओकरा बाद धर्मवीर गिरी पीछे से आवतारन और माने उनका घर के तरफ से आवतारन, आके उ रिवॉल्वर हाथ में ले ले बड़न, रिवॉल्वर एने ओने हाथ से हो रहा बा उनका, तब तक पीछे से आदेश कर रहा बन शशि भूषण गिरी हमार चाचा खुद के उत्तम गिरी कि सटा के मरी है न तो ना मरी। अच्छा, आ वहाँ बैठ के सटा के मन है जस्ट कान के बगल में सटा के आ मरलन, एक बार भल से आवाज आई, बाल उड़ गई, खून छितरा गई, भाई जैसे निकल रहे अभी कुछ देर पहले से भाई निकले के प्रयास कर ले रहे तो ऊपर फायरिंग हो गए रहे, वो बेचारा वहाँ में छुप के जान बचैलस अपन, ओकरो उंगली उंगली डैमेज बा देखम तो ठीक बा, वो माने वो लोग के लागल है कि दोनों भाई खत्म, दो भाई तो खत्म हो गए, फायरिंग एगो दुगो और भइल, चूँकि हम रोड के वो पार चल गई रहनी निकल के सीधा, कहें कि जौन घटना स्थल बा थोड़ा आगे बा, तेने उन्हें ध्यान देनी तो खाली आवाज बाबू के आवत रहे, आदमी लौकत रहे ढेर सारा लेकिन बाबू ना लौकत रहे, लेकिन जब वो बगल गईनी तब तक ही ट्रैफिक भी है, गाड़ी आ रहा भी है, वही भी कि वही सामने से आके गोली मार दहलन, हम चिल्ला रहल बनी माने आँख से आंसू आ रहल बा, देख रहल बनी हाथ पर माने सोची कि हाथ बिल्कुल काम हमारे नहीं करत, जब उ जा तरन तो हम ही कह रहल बनी कि हमारे के काहे छोड़ तर हमरों के मार द, न तो हम बचे तो कैसा कैसी तो हुखबे करी,
लेकिन हंसत मुस्कुरात जा रहल बा लोग आ चल गई लो। ओकरा बाद यहाँ हमने के बहुत माने पुलिस आई कॉलेज कि ना हो सकेला थोड़ा बहुत जान बा पता नहीं अपन वो लोग का चाल रहे निजी कि क्या रहे माने वहाँ से लाश हटाए के चाहत रहे लोग। हमने के गई नहीं सही कमा एकमा तो डॉक्टर कहिए दिल रहे कि मर गई बड़ा चूँकि अब वो साफ समझेल कि जब बड़का गोली बटे हेने से लागल बा आ पूरा सर खुल गई बा तो जिये के चांसे नहीं के छापरा गई नहीं सन वहाँ मृत घोषित कर दिहल गई। का बताई वैसे वो जो घटनाक्रम बा रुआ के हम शब्दों में बयान नहीं कर सकत वो अंदर एगो जख्म बन गई बा जौन कबो माने न्याय मिली तो शायद कुछ हल्का हो जा। दूगो महिला बड़ी एगो भूषणगिरी के दूसरे भूषणगिरी के दूगो बियाह तो देखी संस्कार लड़का सन के वह ना मिलेला जौन घर से होला जब एक एक गो व्यक्ति दू दू गो मेहरारू रखी तो वही तरह के संस्कारे मिलेला। तब इनकर जौन पहलकी मेहरारू बड़ी उ गिरफ्तार बड़ी आ धर्मवीर गिरी के मेहरारू गिरफ्तार बड़ी आ जयराम गिरी जे कहल कि हाँ एक बार चेक कर लो ना मरल हो एक बार और मार दीह एगो और मार दीह गोली। ओकरा बाद इहो ना कि अपराधी फरार हो गई चाहे कुछ आराम से गई लोग फेसबुक इंस्टा के माध्यम से अपन खुशी जाहिर कर रहल बा लोग प्रशासन के चैलेंज कर रहल बा लोग। अब प्रशासन के में का बा वो हमरा समझ में नहीं क्या होता लेकिन हाँ प्रशासन पहले संज्ञान ले रही तो शायद ये घटना रोकल जा सकत रहे लेकिन हमने के चिल्ला चिल्ला के थक गई सन कुछ सुनल जाओ एमें कुछ कार्रवाई करल जाओ सब साक्ष्य हमने के दहनी सन चूँकि एक एक गो ये लोग के घटना के हमने के लोग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बा कोनो कार्रवाई ना बा। अच्छा अभी कितना लोग फरार बा भी पुलिस का कर रहा भी है कितना एक्टिव अब कह रहा बा लोग कि छापेमारी हो रहा बा लेकिन हमारा तो नहीं लगत कि कहीं छापेमारी हुई तो अभी तक अपराधी कहें कि आसे पास छुपल बड़न मान ली कि अभी दो चार दिन से गोलीबारी बंद बना तो इन्हें गोलीबारी होते रह आठ आठ राउंड दस दस राउंड गोली चलत रह। एगो वीडियो हमरा लगे भेजल गए रहुए वो वीडियो में हम देखे दूसरा पक्ष के तरफ से भेजल गए रहुए ओमें रहुआ भाई के सूरजकांत गिरी के व्हाट्सएप पे स्टेटस लागल हुए और ओमें शशिकांत गिरी के झांपड़ मारल जा रहल बा और ऊपर गाना लगाओ रहुए कुछ अजीब टाइप के भोजपुरी में कोनो गाना रहुए हमरा ध्यान नहीं खेत गनवा लेकिन ओमें बार बार लोकत रहो कि शशिकांत गिरी के पीटल गई बा यानी कि रउआ लोग पिटवैले बा। सुनी भैया हमने के अगर केहू के पिटवैती से चाहे कुछ करवैती से तो हमने के नाम से FIR रहित न रहित कि ना रहित बताई मान लें रउए पर हम हमला करें तो रउआ हमारा नाम से FIR करें न ये लोग के जमीनी कार्य बा आई आए दिन पिटात रहला लोग नया बात ना हो सुनेम तो हर चौथा दिन ये लोग पिटात रहला लोग तो वही में से केहू कैप्चर कैलो हुई तरह के हमारा तो खैर संज्ञान में ये बात नहीं है लेकिन हाँ देखाई हमारे नाम से कोनो FIR बात है तरह के। लेकिन पटना के एगो अनु चौधरी केहू हटे वो मीडिया में स्टेटमेंट दे रहा बा कोनो चैनल पर कि जान बूझ के घर वाला ही लोग जौन बा षड्यंत्र कैले बा ये षड्यंत्र में भाई शामिल बाड़े चाचा शामिल बाड़े अंजलि शामिल बाड़ी सब कोई मिल के सूरजकांत गिरी के हत्या करवा दिलस। देखिए के का कहल बिना घटनास्थल पर आए हुए हवाबाजी करल तो हमरा समझ में ना आवेला रउआ तो ये घटना के शुरू से देख तनी आ शायद देखलूँ हो कि हमने के भाइयों में कितना प्यार रल रौरो जानत हो कि आखिर भगौड़ा फरार ये सब काहे आदमी सुनत रल एगो भाइये खातिर ना कि चली ठीक बा घटना हो गई बा अगर जान रही तो एक रोप प्रतिरोप से कुछ होला ना ठीक बा सह लिया अरे ये लोग छोड़ल का मान लेने कि रउआ लोग इज्जत तो ये लोग हमारा मम्मी के देखे कहीं कि फेसबुक प्रोफाइल बना के अभद्र टिप्पणी अभद्र एति कल गई रहे हमारा चचे आ ये लोग के तरफ से हमें नामों ये लोग के आ गई है ना जौन भी मुख्यालय से नामों आ गई छोड़ल का गई रहे अब रहल बात कि जे भी बानी यहाँ के आरोप लगा रहल बानी तो सत्यापित करी हाँ ये में हम अपना वकील से बात कैले बानी आ कि देखी अगर सत्य बात और अपन तथ्य ले आई आ नहीं खे तो देखी ये तरह के बिना मतलब के आरोप जहाँ जावना परिवार में छोट भाई के मौत भैल होके वह बड़ भाई के सामने दूगो मम्मी पापा बा लोग जौन मैंने सोची लोग आखिरी उम्मीद लेके जियता लोग हत्यारा सन के कैसों सजा मिल जाए वो बीच इकुली बयान हत्यारा सन के बचाए के साजिश हो सकेला या हत्या से ध्यान भटकाए के साजिश हो सकेला
अरे मान लानी घर के केहू बा चाहे केहू बा तो जांच के विषय बा ना जी, हम कहे कहें ठीक बा यहाँ के कह सकनी। देखी जब समाज मान लानी कि लड़की के घर वाला चाहे हमार चाचा इतना हमने के आरोप लगा दीहल लो तो इहो एगो आरोप। रउआ के बता दी हम कि बीच में यहाँ लोग जब विवाद चलत रहे, एक साल पूरा चलल है, एक साल के बाद हत्या के अंजाम दिहल गेल, वो बीच में यहाँ के माता के और यहाँ के पत्नी के और पत्नी रहनी नो दोनों आदमी के फोटो सोशल मीडिया पर डालल गई रहे, लिखल गई रहे कि कॉल गर्ल हलो, बहुत गंदा शब्द लिखल गए रहे जौन हम बता नहीं सकत, ई खबर के माध्यम से भी हम देखले रहनी। तो ये तरह के बहुत सारा घटना जौन बा पूरा एक साल चलल है और एक साल के बाद मिलल का हत्या। ये परिवार के एगो सवांग गई, एगो भाई गई, एगो बेटा गई, एगो पत्नी के पति गई। दूसरा तरफ अंजलि गिरी के कहल जा रहा बा कि अंजलि गिरी अभी गर्भवती बड़ी, 7 महीना के बच्चे 8 महीना के पेट में बच्चा बटे, तो जन बचवा आई वो अनाथ होके बाहर आई, धरती पर आई और उकरा जब पता चली कि हमरा परिवार में हमरा माँ के साथे हमरा पिता के साथे काका भई रहे और करे वाला के रहे तो हमर नाना हमर नानी हमरे पूरा परिवार रहे, हमरे पूरा खानदान रहे, तो उ का गुजरी। ये अंत जौन बा ये अंत काफी भयावह भइल बा, ओकरा बाद भी हम सुनिए कि अभियो कोनो धमका धमकी कुछ चलता का जी। मैं परिवार वाला लोग से धमकी आ रहल बा कि जल्दी हमनी के लड़की के मार के तरह लोग के फंसा देम सन आ तरह दोनों भाइयों सन तरह दोनों भाइयों लोग के भी मार देम सन। ये एकदम लगातार धमकी हो रहल बा आ रहल बा, प्रयास भी बा। देखिए हम तो रउआ माध्यम से आज बोलत तनी कलबानी कि ना कहें कि देखिए भाइयों हमार एक्सपेक्ट ना कैले रहनी सन आज हत्या हो गई आ अपन प्रशासन ऐसा बा कि मन बा अभी भी मन बा, तो अब नेक्स्ट टारगेट तो हम के ना बनी सन कहीं ना कहीं। एकरा पहले हत्या होके के कुछ दिन पहले 10 या 15 दिन पहले हमनी के अंजलि गिरी और सूरजकांत गिरी दोनों आदमी के इंटरव्यू कैले रहनी जा और वो चलले रहनी जा, ओकरा बाद ये नफरत जौन बा कतना चरम पर पहुँच गई कि हत्या के अंजाम दे दहल, जौना कि वीडियो रुआ दिख रहा बा कि CCTV में रोड पर से भागत लाठी डंडा हाथ में ले के भागत शशि भूषण गिरी के परिवार जौन बा उ बाबा ट्रेडर्स के तरफ जा रहा बा। तो ये पूरा घटना बटे ये पूरा घटना एक साल चलल हो और एक साल के बाद हत्या के अंजाम दहल गई है। पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट रही, आवेदन रही, निवेदन रही, सारण के माननीय अधिकारी से निवेदन रही कि रउआ पर उचित कार्यवाही करके जे भी दोषी बा दोषी के कड़ी से कड़ी सजा दिलावल जाओ, लोग के पहले अरेस्ट कर जाओ ताकि ये परिवार जौन बा अभी आगे जौन खौफ जारी बटे, काहे कि एक दिन बीच में फिर हजा सामने ही फायरिंग कल गई रहे, वजह कुछ लोग रिपोर्टिंग करत रहे वही बड़ा भई रहे, तो ऐसा घटना ना होके एगो ए घर के लाल चिराग बुझ चुकल बा, आगे तरह के कोनो घटना ना होके एकरा खातिर कानूनी प्रक्रिया कानूनी कार्यवाही बहुत जरूरी बा। अंजलि गिरी हमरा साथे बड़ी, वह अंजलि जेकर चर्चा आजकल सिवान छपरा गोपालगंज में कुछ ज़्यादा ही हो रहा बा, चर्चा जौन बा उस सही कारण खाती होके के चाहिए लेकिन चर्चा गलत कारण खाती होता, हत्या के बाद होता, न्याय के गुहारी लगा रहल बड़ी और जैसा बतावल जा रहा बा कि अंजलि जौन बड़ी गर्भवती बड़ी, ज़्यादा कुछ हम बात ना करें काहे कि इतना ना लोग आके बातचीत कर ले बा और इतना ही मीडिया में स्टेटमेंट दे दिले बड़ी कि हमरो कुछ पूछे के इच्छा नहीं, एकरा पहले भी हम इंटरव्यू ले बनी। घटना जौन बा उ हो गई और घटना के बाद पूरा परिवार अभी शौक में बा, का कुछ कहे के चाहते नहीं प्रशासन से? ज्यादा कुछ ना, बस न्याय मांगते हैं। एक तरफ राउत सुहाग जुड़ गई, उजाड़े वाला रौरे अपन लोग बा, आखिर आखिर का मिलल तो वह लोग बताई काम मिलल हमार सुहाग उजाड़ के ना देखल जात रहल सब लोग से हमार खुशी ऐसे उजाड़ दे रहल ले। अब तो रहुआ जन जन गर्भ में बच्चा पल रहल बा उ आई तो उ का देखी ये नफरत के दुनिया में जहाँ अपने नाना नानी या अपने नाना नानी के घर वाला लोग बाबूजी के मार देहल, ये ना देखी तो दूसर का देखी। देखिए हम ज़्यादा बातचीत ना करें अंजलि से, चूँकि बातचीत करे के अवस्था अभी नहीं खे यहाँ के और यहाँ के भी बहुत ज़्यादा बोल बोल के थक गिल बनी, बस हम इतने कहें कि इनका न्याय मिले के चाहिए, अंजलि के जौन न्याय के हक बटे, पीछे का कारण रहे ना कारण रहे जौन भी कारण रहे लेकिन वो कारण के मतलब ही ना भइल कि केहू के जान ले रहल जाओ, ओकर समाधान
हो सकत रहे लेकिन हत्या कर दहल गई ई कहीं से भी उचित नहीं खे और एकरा के क्षम्य नहीं खेल जा सकता।